जय भीम नौ बधाई। पूरे भारत के मूलवासी और बहुजन समाज और भारतवासियों और विश्ववासियों को भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं दी जाती है। आज ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जो क्रांति की गई 14 अक्टूबर 1956 में, उसके परिणाम ही आज बहुजन समाज बुद्ध और बुद्ध को चरित्र और उसके विचारधारा को जान सका। अगर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के द्वारा दिए गए संदेशों को ना घर घर तक ले जाते तो शायद आज मैं खुद बुद्धिस्ट या बाबा साहब के दिए गए बुद्ध को ना जान पाता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध का जो मार्ग दिया, बाबा साहब को जानकर ही मैं बुद्ध तक पहुंचा। तो इसलिए मैं आज का दिन जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित करता हूं और हर साल करता रहूंगा, क्योंकि मैं बुद्ध के बारे और बुद्ध की विचारधारा और धर्म के बारे प्रति कोई जानकारी नहीं थी मुझे इससे पहले। जैसे मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को जाना, उनकी विचारधारा को जाना और उनकी इन विचारों की जो महान पुस्तकें थी उनको देखा, तो मैंने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर अंतिम रास्ता जो हमें दिखा के गए, मेरी जाति जो भी हो उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना, वो जाति है, लेकिन जाति जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा ही संघर्ष जाति के लिए और समाज के लिए किया, समाज के लिए किया संघर्ष, लेकिन समाज को धर्म दम दिया। तो धर्म मेरा एक अलग चीज है, लेकिन जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं अपने समाज और उन जातियों के लिए लड़ता रहूंगा और संघर्ष करता रहूंगा, और कहीं ना कहीं जब तक मेरी सांस रहेगी मैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करता रहूंगा। लेकिन धार्मिक तौर पर, धार्मिक विचारों के तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध धर्म हमें दिया हुआ है उसी मार्ग पर मैं चलने का प्रण लेता हूँ आज बुद्ध पूर्णिमा को, और समाज को यही मैसेज करता हूँ कि अम्बेडकर के दिए हुए मार्ग को हम पीछे ना छोड़े, क्योंकि अम्बेडकर और बाबा साहब का जो अंतिम मार्ग था वो दम का मार्ग था, इसे आप बड़ी भांति जानते हैं। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को जानते हैं, और बुद्ध तक पहुंचना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब का जो लक्ष्य दिया गया था, अगर बुद्धिस्ट हो जाते हैं तो भारत में इतनी बड़ी जो आबादी है वो सारी की सारी जो जातियाँ में बटी हुई है एक जगह आ सकती है। जातियाँ समाज का निर्माण नहीं कर सकती, अगर जातियाँ धम में चल जाए तो एक विशाल समाज बन सकता है। आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे सारे चैनल की टीम से बहुत सारी शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा की जय भीम।